Hi everyone, let's come to question number 14. This question relates to residential status. Exam mein residential status ka hamesha question aata hi aata hai. And the students who are watching this video for the first time, please refer the description below. Question number 14 kehta hai, Miss Bimla is a non-resident residing in New York since 1995. Kaafi pehle se ye New York mein reh rahe the. Came back to India on 19 February 2017 for permanent settlement in India. 2017 फरवरी में ये इंडिया आ गए हैं फॉर परमानेंट सेटलमेंट. आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम करेंगे कि उसके बाद ये हमेशा इंडिया में ही रहे. क्लेम द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस बिमला फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सबसे पहले हमें इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा बिकॉज द असेस इज एन इंडिविजुअल हेयर. पहले चेक करिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, फिर सेकेंड स्टेप में चेक कीजिए अगर रेसिडेंट आ जाता है तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी. आप जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए दो बेसिक कंडीशंस चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन सेज 182 डेज और मोर अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रही हैं. ये कंडीशन एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड हो रही है क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर है 1819 और ये 2017 के बाद से इंडिया में रह रहे हैं, इसीलिए ये तो पूरे 365 डेज ही इंडिया में रहे हैं. सो शी इज़ अ रेसिडेंट. एक बार एक इंडिविजुअल असेसी रेसिडेंट हो जाता है उसको फर्दर चेक करना पड़ता है कि क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है. उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस भी हैं, दैट असेसी प्रीसीडिंग 7 इयर्स में 730 डेज और मोर इंडिया में हो और पिछले 10 साल में से कम 2 साल में वो रेसिडेंट है. अगर हम इनके पिछले सालों के नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे जब से ये इंडिया में आए हैं तो लास्ट ईयर में ये 365 डेज थे बट उससे पहले ये फरवरी में आए थे. तो फरवरी के बनते हैं 10 डेज और मार्च के बनते हैं 31 डेज, दैट इज़ 41. टोटल अगर आप करेंगे तो इनका टोटल जस्ट 406 डेज बन रहा है प्रीसीडिंग 7 इयर्स का. 7 इयर्स तो ये थे ही नहीं, उससे पहले ये सिर्फ 2 साल थे. तो 406 डेज बनेगा, 730 डेज नहीं बन रहा है. सो शी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी था, दैट इज द रीजन शी विल बिकम अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इंडिविजुअल असेसी के लिए. आप ही अपने प्रोविजन अच्छे से कर लीजिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन चेक करिए, वीडियो के बाद आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी. स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय. अपना होमवर्क अच्छे से करते रहिए.